Assalamualaikum everyone, this is Maham Rehman and you guys are watching me on Sardar Kumal official YouTube channel. और आप लोग जैसा कि जानते हैं मेरे शो का नाम रायता फ्री शो, और आप जानते हैं कि हर एपिसोड में हमारे साथ एक नए गेस्ट मौजूद होते हैं और हमारे उनसे बहुत ही मज़े मज़े के सवालात होते हैं। इसी तरह आज भी हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सरदार कमाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी दबा लीजिएगा ताकि सब न्यू कंटेंट, सब न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का शो। आज के मेरे गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं, बहुत ही प्यारे से हैं, मासूम से हैं और क्लासिकल मौसीकी से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। उनका नाम है प्यारे खान साहब, तो आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद प्यारे खान साहब। वालेकुम सलाम बच्ची, ये तारफ दे बेशोखी कर दी है। कैसी शोखी? उस्ताद प्यारे खान ते पूरा जग जानदा है कि उस्ताद और उस्ताद हुंदे। हां जी, तारफ तो पहले उस्ताद दे गोडियां नु हाथ लाईदा। मैं आपके गोडों को क्यों हाथ लगाऊं, मैं तो आपकी शागिर्द नहीं हूं। हाय 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 हाय, तेन अगर मेरी शागिर्दां दा पता लग जे ना कुड़िए, तू कन्ना नु हाथ लाण लग पवे कि उस्ताद रंदी कौन कौन शागिर्द है। तेन पता है कि लता के दी शागिर्द है? किन की? मैं तेरे को पे पूछना। मुझे क्या पता हो भाई, लता बेगम जेड़े ने, मैं तेन दसांगा, मेरे दादे और नु खत लिखते सन। अच्छा, के खान साहब बंबई माता ना, मैं इन दिनों बंबई में नहीं हूँ, हम खानदानी गवैये, आजकल लोगों को हमारी कदरों कीमत नहीं रही, आज उस्ताद का वक्त खत्म हो गया, ट्यूनर का वक्त शुरू हो गया कि जो बच्ची बच्चा बसुरा है ट्यूनर पीछे लगाता और अपना गाना मार्केट में फेंक देता है। और पहले उस्तादा को भैड़े हो आओ और सीखो तो सही, और तुम पता लगे जो साथ साथ तक जाओ। ये बात तो आपकी ठीक है बच्ची, ये तेन साढ़े शिजरे नसब का नहीं पता, और साढ़े दादे और ही अकबर बादशाह के महल च गाते होंगे सर। हाय हाय, वो तो सोना चांदी होने, एडे ने पैसे नाम का नाम होने, जो साढ़े दादा हजूर ने गाना तो मलका जरोकियां च खलो के साढ़े दादा हजूर इंज वेख के कह रहे थे खान साहब हाय हाय बहुत आला बहुत आला। तो साढ़े दादे और ही उन्होंने भी शाही किले की बेची कबर। अच्छा, बस गलती हो गई, उन्होंने को ज्यादा एडवांस दिता किसी मुखालिफ रियासत वाले ने। अच्छा, उत्थे गान टुर गए, अकबर बादशाह उन्होंने पता लग गया, जो गा के वापस आए उन्होंने कहा खां और हाथी के पैर थले दे दे, हम भी जाएंगे ना हाथी वाला पैर उसे थले साडा दादा ही दफन। ओहो सैड, ते अजकल दे बच्चे नु साडी की कदरों कीमत होवे, भी साडे कोल आओ को फन ले लो, ओए सादा दी थोड़ी उम्र होए पर ले लो फन ले लो, अज ते फन सड़क ते रख के बैठे भी ले लो फन ने ले। उस्ताद जी, देखिए ना, जमाने के साथ साथ म्यूजिक भी मॉडर्न होता चला गया, अगर आप भी क्लासिकी मौसीकी के साथ थोड़ा मॉडर्निज्म में आते तो ज्यादा अच्छा नहीं होता? क्या कि ऐसी मेहनत ना देने लिए की थी सर, कि ऐसी आ चीका से काड़े पावेंगे हैं, हाय वी करेंगे, ऐसी तेज काम में चपड़े करनु आगे लाली गा गा के। वो कैसे? बस ऐसी गाने सा ऐ सजे खबे अताई रहंदे सन, ओना साडे घर नु आगे लाती कि हां और ही मुड़े नहीं रहे, सवेरे सवेरे गाना गाने लापे ए अजकल दे बच्चे दुनिया अपने पप्पू कुत्ते वर्गे बाल पड़ा ला। What do you mean by पप्पू कुत्ता? वे जिहड़े बाल खड़े जे कर लैंदे ने। हाँ साहब, स्पाइक्स कहते हैं उसे। खबरें की कहते सर, तो स्पाइसी खाने मनाने, असी वो बाल की में बना सकते। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपका कौन से घराने से ताल्लुक है? शरीफ घराने नाल, जिन्हें नैब दा टका नहीं देना, बल्कि अच्छा, बल्कि नैब वाले को लेने नहीं। अच्छा छोड़े, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है ये जो नए आजकल लड़के लड़कियाँ गा रहे हैं, क्या ये ठीक गा रहे हैं? बहुत आला लिख रहे, सिख लै। अच्छा
अच्छा खान सर, मुझे एक बात बताइए, आप बता रहे थे कि आपके बाप दादा शाही दरबारों में जाकर गाना गाते होते थे, तो क्या आपको भी कभी किसी वजीर किसी मुशीर ने अपने घर बुलाया? नहीं, खैर इस्लाम औला जिंदगी हो गया है, चौरी सरवर साहब गवर्नर पंजाब जी जी पाकिस्तान, हाँ जी जिंदाबाद, बड़े पहले लोग ने। अच्छा, मैंने एक दिन गवर्नर हो सदिया सी, वेरी नाइस, कहने वेख फिर वेख खोल दिता गरीब वाली साहब वेखो, मैं सारा वेखिया, मैंने कहने खान जी इतने थोड़े से महफिल रखनी। अच्छा, मैं फिर गाया यह मैं गवाया खुश हो कहने के भी खां और कार ड्रॉप करके आओ। अरे वाह, हाय हाय हेलीकॉप्टर ते मैनू घर ड्रॉप करन गए ने। वाओ, अद्धे इलाके दी छत्तां नहीं रही, क्यों पखे दी हवा नहीं उड़ाता सारा कुछ पूरा मल्ला मैनू पुछ जी खान साहब कित्थों आए, मैं जी गवर्नर साहब ने गाना सुना के आन के जाओ जी ड्रॉप कर रहा हूं। ये तो ट्रेजेडी हो गई आपके साथ। आहो जी। अच्छा खान साहब, मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए, आप दिन में कितने घंटे रियाज करते हैं? मैं इतनी देर रियाज करना जब तक मल्ले वाले 15 ते फोन करके पुलिस ना सद ले। क्या मतलब है आपका? या इन्हें बंद करा दो तो या सानू बंद करा। फिर दोनों में से कौन बंद होता है? आखिर करना है। अच्छा खासा, मुझे ये बताइए कि और आपके खानदान में कौन कौन गाता है? बे बच्ची ये बहुत अच्छा तरह क्वेश्चन है। थैंक यू। ये तो एनजी है जी, मैं मच्छी ने पूछी है कि तेरे केड़े केड़े बच्चे ने तरना आंदा है। अभी साढ़े खानदान सब नू गाना आंदा है, पूछने वाली गल ए वे कि दसो तुहाडे खानदान चो गाना चलदा केदा है? चलें ये बता दीजिए किसे दा। अच्छा चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि किसी का भी नहीं चलता। तो खान साहब ये बताइए कि आपके खानदान में किसी को रॉक म्यूजिक पॉप म्यूजिक इनका नहीं शौक? मैं कहना मेरे दोस्त सके पुत्र ने। अच्छा, उन्होंने घर च गल की असी पॉप गाना, मैं कहो पापी हो निकल जाओ इतो करो, देख रहना तो मेरे ना क्लासिकल च रहना, पॉप च मैं अपने घर किसी को नहीं रखना। खान साहब ये तो कुछ जिद है ना। जिद कह दी है, असी लहद अकेडमी बना लेंगे पॉप म्यूजिक की, तो मैं जाओ बना लो। इजाजत दीजिए, अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आपने इंतजार करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और हाँ हमारे चैनल सरदार कमाल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन लास्ट में दबा दीजिएगा ताकि सब अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज। सुनते रहिए बसुरे अताइयों को, खुदा हाफिज।